नमस्कार दोस्तों, ऐसे ट्रिपल पाइप की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आप ऑल ओवर इंडिया से अपना कार शीरो रिपेयर करवा सकते हैं। शीरो रिपेयर करवाने के लिए आप उसे किसी बॉक्स में अच्छे से पैक करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस और फोन नंबर है, आप वहां जाकर हमसे बात करके कोरियर थ्रू अपना सिस्टम रिपेयर करवा सकते हैं। आइए देखा जाए, आज हमारे पास ये पाइनियर का सिस्टम आया हुआ है जिसमें कस्टमर ने गुस्से में भूसा मार दिया और जिसके चक्कर में इसकी टच और डिस्प्ले दोनों ही टूट गई है। अब हमें इसकी टच और डिस्प्ले दोनों चेंज करनी है। इसकी डिस्प्ले जो है ये अलग मॉडल की है, जैसे इसका मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये देखिए, इसका मॉडल है Z5290BT। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो डिस्प्ले है वो अलग होती है और डिस्प्लेस के मुकाबले, तो इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। तो अभी हमने कहीं से इसकी डिस्प्ले अरेंज की है और इसमें डिस्प्ले और टच दोनों डाल के दिखाएंगे आपको। पहले इस सिस्टम को आइए मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें आपका कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो हमारे पास इसकी स्क्रीन पड़ी हुई है, इसकी डिस्प्ले हमने मंगाई हुई है। ये देखिए, ये डिस्प्ले हमने मंगाई हुई है। तो इसमें अभी हम डालेंगे, सबसे पहले हम इसमें ऊपर से चेक कर लेते हैं कि इसकी डिस्प्ले जो है सपोर्टिव है या नहीं है, क्योंकि दूसरे मॉडल की डिस्प्ले इसमें डलती नहीं है। इम्पैक्ट की वजह से आप देख सकते हैं ये रिम भी टेढ़ी हो चुकी है, तो इसको भी हमें पहले थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा। ये देखिए, थोड़ा सीधा हो गया। और इसकी जो डिस्प्ले है ये भी चेंज करते हैं। पहले इसकी डिस्प्ले निकाल लेते हैं, टच और डिस्प्ले दोनों ही। इसको साइड हटाते हैं और इसे हम पहले लगा के चेक करते हैं कि ये डिस्प्ले ओके है या नहीं है। अभी डिस्प्ले हमने लगा दी है इसमें, इसके बाद इसमें सप्लाई लगा के और एक बार इसे चालू करते हैं। ये देखिए, डिस्प्ले बिल्कुल ऑन है। और ये सिस्टम एप्पल कारप्ले वाला सिस्टम है। इसमें आइए हम इसे पूरा फिट करते हैं और उसके बाद आपको इसे बिल्कुल फाइनल टेस्टिंग करके दिखाते हैं इसके। अब इस सिस्टम में हमने टच स्क्रीन और डिस्प्ले दोनों डाल दिए है और आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके हो चुका है और इसके सारे बटन बटन सब काम कर रहे हैं ओके। ये इसका FM है और इसमें ये देखिए स्पॉटिफाई। इसमें एक और चीज़ है मिरर लिंक, इसमें अगर हम अपना फ़ोन डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तो इसमें ये देखिए, ये यहाँ पे आप ये बटन दबाएंगे तो डायरेक्ट आपका ये YouTube दिख रहा है, ये YouTube से चल रहा है, डायरेक्ट YouTube चलेगा आपका। मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको। ये देखिए, इसकी बहुत अच्छी आवाज़ है और अगर हम सर्च भी करना चाहें तो कोई भी सॉन्ग हम सर्च कर सकते हैं, जैसे साग की। और इसमें ये बात अच्छी लगी हमें कि इस सेट में जब हम कोई भी गाना YouTube से प्ले करेंगे तो हमें कोई भी एड शो नहीं होगी। ये देखिए, डायरेक्ट चल गया।
ये देखिए बिल्कुल ओके है ये।